सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना स्माइल क्यों दे रही हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज अभी ने मुझे कुछ चैलेंज दिया एंड आई हैड एक्सेप्टेड इट। चैलेंज बहुत ही यूनिक है, वो आपको पता चलेगा। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या है चैलेंज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैलेंज। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे भाभी जी का है, मतलब जो ऑनर है उनका है ये पूरा सेटअप। वो यहाँ पे नमकीन वगैरह बना रही थी, शायद खाना वाना बनाती है, आई एम नॉट श्योर। नहीं खाना नहीं, नमकीन वगैरह ही बनाती है। सो कल हम लोगों ने देखा एंड अभी एस चैलेंज मी, क्या तुम इसमें कुछ बना के दिखाओ। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं चूल्हे में कुछ बनाऊँगी, या लिटरली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इससे पहले हम लोग गांव में चूल्हा देखे हैं, इनफैक्ट बना हुआ खाए हैं, बट खुद से बनाना आई डोंट नो हाउ इट्स कना बी। दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड यू नो लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। और ये तो बहुत ही इजी सा चैलेंज है, ये बहुत ही हमारा एक देसी जुगाड़ है। तो ऑब्वियसली इस चैलेंज को मैं ना कैसे बोल सकती थी। और ये पूरा सेटअप मुझे अभी करके दे रहा है, मुझे तो लिटरली नहीं पता ये इसमें कैसे जलाना है, कैसे लकड़ी डालना है, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। हाँ, जस्ट मैंने देखा है लोगों को करते हुए। जैसे हम लोग गाँव भी जाते हैं तो मटन वगैरह चूल्हा में ही बनता है, मैं आपको बताती भी हूँ, इसका बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यस, खाना तो नहीं बना पाऊँगी मैं ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें काला काला हो जाता है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ कुछ नमकीन, इसमें देखते हैं कैसा होता है नहीं होता है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड, आज मॉर्निंग से ही इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, है ना अभी, है ना अभी। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। सो गाइज, ये देखो मेरा सेटअप भी रेडी हो चुका है और उधर है अभी, मज़ा आने वाला है, बट आई एम इंजॉइंग इट। जो भी है, अभी से मुझे कट करना है। लॉकडाउन का साइड इफेक्ट नहीं, अभी लॉकडाउन कहाँ है, बट साइड इफेक्ट पहले से तैयारी चल रहा है, पहले से तैयारी चल रहा है। ये देखो, ये है मेरा टैलेंट एंड आई एम मेकिंग नमकीन, जो मैं सबको अभी खिलाने वाली हूँ। जिसको भी खाना है मेरे घर पे आप लोग आ सकते हैं खाने के लिए, बट मैं दूंगी नहीं सब मैं अकेले ही खाने वाली हूँ। बाबू एक बार तो डालो, एक पीस ना, एक पीस नहीं, गर्म हो गया होगा। वाओ, उतना मत डालो। और हाँ, बहुत क्यूट कपल जाएगा तो। सर को भी लेकिन मजा और दे। क्या आ रहा है मजा मजा आ रहा, मजा हमको तो बहुत मजा आ रहा, क्योंकि आपको काटने का काम मिला है ना। हंसी काटे हंसी, वो मैम लोग से बलि दिया खा लेती है। बाबू वो मोटा वाला डालो ना यार, मेरे पास दिमाग नहीं है। बाबू तुम कैसे खाना बनाएगा? तो पूरा चूल्हा भर देगा ये, ना भरेगा, आप दीजिए वो जलते जलते पतला पकड़ेगा ना, वही एक ही तो जलेगा, फिर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यस कर दो। तो फाइनली हर एक चीज बन चुका है, हर एक चीज इन द सेंस मैंने जस्ट मस्त एकदम सी, बहुत ज्यादा क्रंची भी दिख रहा है ना, होटल स्टाइल है, मजा आ गया। ये मम्मी के घर के लिए और मेरा उधर रखा हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनाया, बट टाइम भी बहुत ज्यादा लग गया, दो तीन चार घंटा, बट मजा आ रहा है ना। थैंक यू बोलो।
थैंक यू। मेरा चूड़ा फ्राई भी हो गया। हाँ, अभी के लिए मैंने चूड़ा फ्राई भी कर दिया। एक्चुअली वो ऑयल बहुत सारा था कढ़ाई में, तो मैंने सोचा चलो मैं ऑयल में चूड़ा फ्राई कर देती हूँ। मतलब चूड़ा फ्राई इन द सेंस पूरा ऑयल में डाल के, और पकौड़ी फटता है वैसे चूड़ा, जैसे हम लोग पकौड़ा वगैरह बनाते हैं ना वैसे ही। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं मम्मी के घर पे ये वाला लेके, और उसके बाद हम लोग भी आते हैं घूम घूम के। कल भी मैं मम्मी के घर पे नहीं गई थी, इसीलिए चलो चलते हैं मम्मी के घर पे। सो आ चुके हम लोग पीकू के पास। हाय पीकू। और ये आज का पीकू का हेयर स्टाइल है, ठीक है ना? पीकू डेली न्यू हेयर स्टाइल करती है मेरा बेटा। और अभी पीकू का एग आ चुका है, बॉइल्ड एग। छोटू वो ला के रख के फेंक के चले जाता है। अब पीकू को खिलाना है बॉइल्ड एग। और चोको को भी, हाय चोको। ये देखो चोको और पीकू का दोस्ती। पीकू चोको को हाय बोला बेटा। और पीकू को एक्चुअली आज चोको से डर लग रहा है, इसलिए पीकू मेरे पास ही डर है। मैंने गोलू गोलू मिला लाजू कुमालू। एक्चुअली देखो उधर चोको है और इधर पीकू है, तो पीकू को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है चोको से, इसलिए वो ऐसे होके बैठी है। ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा खेलती है चोको के साथ। आज क्या हो गया मेरा राजकुमार बच्चा को। चलो मैं पीकू को पहले एगू एगू खिला देती हूँ, है ना बेटा? और चोको को भी पिकू चोको एगू एगू खाएगा। और इधर चोको अंडा रोटी खाने के बाद अब वो प्लेट खाने का तैयारी में लगा हुआ है। चलो खा ही लो, तुम भी प्लेट ही खा लो, आज क्या याद करेगा। तो मम्मी से बातें बातें करके अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। मम्मी बाय। मेरा गोलू और मेरा मोटू। चलो बाय मम्मी, मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय मम्मी। हम अंडा खाए फिर आपको बिसेन मार के खा, बिकॉज मम्मी नॉनवेज नहीं खाती है ना, तो अभी मम्मी को स्मेल करेगा वो चीज़, इसीलिए आई वांट टू मेंटेन दैट पार पार वाला थिंग। चलो चलते हैं अब, बाय गाइस। तो आज को घर पे, और घर पे आते ही डिनर मैंने ले लिया। आज का डिनर बहुत ही रात में हैवी होता है यार पूरी, बट मेरे को खाने का मन था इसलिए मैंने आज पूरी ही बना लिया। बस दो पूरी मुझे खाना है एंड सब्जी, दैट्स इट। सो गाइस, अभी मैं कर रहा था अंबिका का वीडियो एडिट, और मैंने देखा उसने वीडियो एंड ही नहीं किया। एक्चुअली उसका तबीयत शाम में ख़राब हो गया, छत पे वो थी। मैं उसको बोला था टोपी पहन लो क्योंकि ठंडे का टाइम है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकता है। उसने नहीं पहना, बाद में भुगती, तबीयत ख़राब हो गया, तो सो गई, वीडियो एंड भी नहीं की। तो चलो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलता है अगले वीडियो में। यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, हर हर महादेव।